चलिए आज एक और नए बच्चे से मिलते हैं, मृत्युंजय कुमार, जिनका ऑल इंडिया रैंक 555 है और जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और इनको एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ है, वो सॉरी जमशेदपुर अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले मृत्युंजय, आपको एनआईटी जमशेदपुर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आपकी वजह से जी, थैंक यू। तो मृत्युंजय, क्या होता है कि ये जो सेशन होते हैं ना, हर बच्चे की लाइफ स्टाइल, हर बच्चे का एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग होता है, उसकी सक्सेस जर्नी बहुत अलग होती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस जर्नी क्या है, स्कोर कैसे किया आपने, निमसेट के बारे में कब सोचा, फिर कैसे प्रिपरेशन की, ऑब्वियसली आपने ऑनलाइन की, पर ऑनलाइन के साथ क्या क्या चैलेंजेस आए, तो अपनी एक सक्सेस जर्नी जो है मैं चाहूंगा आप बताओ। ये सर, सर सबसे पहले तो सर जैसे अभी मेरा ये सेशन हो रहा है सर, और उस समय मैं जब आपकी सेशन दूसरे बच्चों के साथ देखता था तो मुझे लगता था कि सर आपसे कब मैं बात कर पाऊंगा कि नहीं, इस तरह से पर्सनल टाइम मिलेगा कि नहीं सर। तो आज तो सर एक ड्रीम कम ट्रू हो गया कि सर आपसे मैं डायरेक्टली एक पर्सनल मीट पे बात कर पा रहा हूँ सर। और उस वक्त मैं सर एक बिक्की शर्मा करके थे जो एनआईटी त्रिची में है, तो उनका मैं वीडियो देखा था सर, तो तब वो भी बिहार के ही थे, भागलपुर से, तो उनका देखा था तो सर मुझे भी लगा था कि शायद मैं भी किसी दिन रहूंगा आपके पास सर। तो सर सबसे पहले तो मैं अपने स्कूलिंग से बताता हूँ सर, मैं आर्मी स्कूल रामगढ़ से पढ़ा हुआ हूँ, झारखंड से। मैं रहने वाला तो बिहार का हूँ, लेकिन पापा शुरू से ही हम लोग को झारखंड में रखे अपने नाना के पास, कि जिससे कि अच्छा पढ़ाई मिल सके, वहाँ आर्मी स्कूल था तो और भी अच्छा पढ़ाई मिले। लेकिन सर मैथ मेरा शुरू से ही उतना ज्यादा अच्छा नहीं था सर, वीक था, ऐसे भी डरता था, मैं चाहता था कि इंटीग्रेशन और बाकी चैप्टर से दूर भागता था सर। जैसा कि आप पढ़ाते वक्त हमेशा बोलते कि फंक्शन तो स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है, सही में नहीं पढ़ाते हैं, तो सर मैं उससे दूर भागता था। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसा निकाल भी पाऊंगा कुछ इतना। तो सर एक दोस्त ने बताया बीसीए करने के लिए, मैं बीसीए कर लिया। फिर वहाँ बीसीए में कुछ दोस्त थी मेरी, वो बताई कि एमसीए के लिए ट्राई करो, एमसीए कुछ चीज है। तो मुझे तो सर बिल्कुल नहीं लगा कि हो भी पाएगा, लेकिन सर आपका लिंक मिला, आपका वीडियो देखा सर तो बहुत अच्छा लगा। तो 2020 में भी मैं अपीयर किया था, लेकिन उस वक्त मैं केवल वो ब्लैक बुक जो एक है एमसीए का और ब्लू बुक है उससे मैं बस कर रहा था सर, आपका वीडियो कुछ देखा था। लेकिन उस समय मेरा रैंक सर, अभी मैं लिख के रखा हूँ, 1757 आया था और कैटेगरी रैंक 642 आया था सर। तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं क्या करूँ इसके बाद, तो मैं एक महीने के बाद आपको कॉल किया, आपने बोला कि बेटा आपने एक महीना लेट क्यों कर दिया इतना ज्वाइन करने में। तो मैं सोचा सर, अब मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपने उस वक्त ऐसा बोला, तो आपने बोला कि सर कि तुम इतना पढ़ो कि मैं चाहता हूँ ये एक मीटिंग तुम्हारे लिए भी हो, अवार्ड सेरेमनी में तुम भी आ पाओ और आओ। तो उसी दिन मैं सर आपका वीडियो जब देखता था क्लास पे, तो मैं वहां एक बार कमेंट भी किया था सर कि एक बार सर शायद जरूर भी मैं आपके पास रहूंगा सर इस तरह से, और आज सही में ऐसा है सर। तो आपका वीडियो मिला सर वहां से, तो मुझे पहला बार लगा कि मैथ मुझको इतना अच्छे से समझ में आया, तो मेरा वहीं से शुरू हुआ सर। फिर मैंने आपको एक बार मैसेज किया कि सर मैं इंटीग्रेशन छोड़ दूं क्या, तो आप बोले क्यों छोड़ना है, जब करना है तो सब करना है। और सर आपका हर एक बात, मैं तो सबसे कहूंगा कि आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए सर पे, ज्यादा कुछ नहीं, जो बोले सो कर लीजिए बस सर। आप जो बोले मैं एक साल के लिए पूरा भूल गया, आप बोलते थे सर दोस्त से बात मत करो, दोस्त को हेलो करने के जगह पूछो साइन 36 क्या है। अभी तक हम लोग सर कॉल करते तो साइन 18 साइन 36 यही सब पूछते सर। और अर्पण मुखर्जी एक मेरा दोस्त है सर, वो जनरल कैटेगरी में है, तो इस बार नहीं हो पाया उसका, तो ये आपके पास 10th January को जा रहा है। हाँ, उसने ज्वाइन कर लिया है फिर से। सर तो वो जा रहा है सर पूरा होप के साथ कि इस बार तो कैसे भी करना है। तो उसके साथ में हमेशा सर कभी भी कॉल होगा, कोई भी फॉर्मूला अगर हार्ड लगता था तो हम लोग बोलते थे ठीक है भाई अब गुड नाइट की जगह ये फॉर्मूला रख लेते हैं। ओके, तो लंबा लंबा फॉर्मूला सारा याद कर लिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री याद कर लिए सर, और आपका जो बनाने का तरीका था वो सब सीख के पूरा, मतलब कि हम लोग शुरुआत में 300 ही आता था एग्जाम में, ये मॉक टेस्ट में, फिर भी सर आप हमेशा एकदम, हम लोग का पूरा मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता था, तो फिर हम आपको सोचते थे कॉल करें या नहीं करें। जैसे ही कॉल करते थे सर विद इन सर 30 seconds पूरा मोटिवेशन से भर जाते थे हम लोग सर कि अब तो करना है। और सर 300 से करते करते मेरा 750 तक मार्क्स आया था सर। और सबसे ज्यादा अच्छा चीज ये है सर कि आपसे बात करने, आपका आवाज से ही सर मोटिवेशन हो जाता था, मतलब हम लोग को अगर मोटिवेशन चाहिए आपका कोई भी वीडियो प्ले कर ले, ऐसा नहीं कि कोई मोटिवेशन वाला वीडियो जाके प्ले करना, कोई भी वीडियो कोई भी चैप्टर प्ले कर ले, खुद ही सर सारा आ जाता था कि अब करना है, अब हो सकता है, हम लोग से भी हो सकता है सर।
तो फिर हम लोग पूरा ट्राई किए, एक साल पूरा बात माने सर आपका हर एक बात, कि फॉर्मूला मुंह पे रट लो, अब तुम्हारा गलती ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, तुम्हारा गलती इंटीग्रेशन में नहीं है, जो है वो सिली मिस्टेक्स कैलकुलेशन में गलती, या फॉर्मूला ही नहीं याद है तो बनेगा कैसे। तो ये सब चीजें था सर आपका, मतलब सर 100% आंख बंद करके आपका डीपीपी, आपका मॉक टेस्ट, या सिर्फ मॉक टेस्ट ही दे दे, डीपीपी भी ना दे, सिर्फ मॉक टेस्ट दे दे, एनालिसिस देख ले, तो मुझको लगता है सर जरूर निकलेगा किसी का भी। और सर स्ट्रगल में मेरा शुरुआत से यह था कि मेरा घर उस वक्त उतना अच्छा नहीं था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, घर पे सारा कुछ हो रहा था, तो मैं यहाँ पढ़ नहीं पाता था, तो भैया भी बोले कि यहाँ नहीं पढ़ पाओगे तो मामा के यहाँ शिफ्ट हो जाओ। और उसी तरह सर विक्की शर्मा जो मैं बताया वो भी अपने किन्हीं के यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो उससे मैं और भी मोटिवेटेड हुआ, नहीं सही में शिफ्ट होना चाहिए और जाना चाहिए कहीं। और आप भी बोलते थे अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो यहाँ आ जाओ, तो मैं सोचा कि नहीं जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं मामा के यहाँ शिफ्ट हुआ, वहाँ पे एक किचन था मामा का, छोटा किचन, तो किचन पे स्लैब बना होता है ऐसे एल टाइप का स्लैब होता है, तो वहीं पे मैं चेयर इसी तरह फिट कर लेता था और उसी स्लैब पे सारा किताब रख लेता था। अभी तक सर सारा किताब मैं दिखाता हूँ ऐसे ही पढ़ा हुआ है आपका, सब आप ही का पढ़ाया हुआ है सर, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, वेरी गुड सर। और यहाँ पे सर आप ही का ये सारा नोट्स आप ही का है सर, और हर एक कॉपी अलग अलग है, सेल्फ स्टडी कॉपी, फार्मूला कॉपी, सारा चीज। एक फार्मूला कॉपी हम लोग बनाए थे सर, और उससे सारा फॉर्मूला एक जगह पे लिखते थे, सारा फॉर्मूला याद कर लिए थे सब कुछ। और सर सबसे बड़ा बात कि जो बच्चे सबसे ज्यादा भटकते हैं इधर उधर, एकदम नहीं भटकना, और आपका जो भी कहा हुआ है मान लेना है बस। सर बोल दिए कि फोन पे हेलो मत बोलो, मत बोलो, खाना दो रोटी कम खाओ, सही में दो रोटी कम खाओ, हम लोग सही में दो रोटी कम खाएंगे। लेकिन आज इतना अच्छा नंबर आया और सिलेक्शन हो गया सर, आज आपके पास मिलने का वो हुआ सर। एक बार हमको भोपाल भी आपके पास पहुंचना है, बिल्कुल आना है भोपाल में तुंजे। और आपने जो बात बोली, जैसे आपने बोला ना, आपने विक्की का वीडियो देखा और चेंज हो गया, ये जो सेशन है ये मैं जब भी डालता हूं तो मैं यही सोचता हूं किसी एक बच्चे की लाइफ में भी अगर ये सेशन चेंज कर दे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जैसे अब आपने खुद बोला कि आपने लास्ट ईयर सीरियसली नहीं दिया था, पर एक बच्चे की सक्सेस स्टोरी, फिर एक ड्रीम की चलो सर के साथ एक मीट करना है, और वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन और बातों को पूरी तरह से मानना, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने वो सब बातों को फॉलो किया जो मैंने बोला। और ये तो अभी स्टार्ट है, अभी जीवन में बहुत आगे जाना है, अब आपको मेहनत करने का रास्ता भी समझ में आ गया है और अब पीछे मुड़के भी नहीं देखना, तो अब आप बहुत आगे जाओगे। और जिस ढंग से आप अपने गुरु की बात मानते हो, ये चीज तो वैसे भी लाइफ में सबसे अच्छी होती है और इंटायर लाइफ आपके काम करने वाली है। और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल भोपाल आओ, और भोपाल जब आओगे तो हम, मेरा अभी भी अवार्ड रखा आपके लिए, वो जरूर दूंगा मैं आपको। सर बिल्कुल सर, मैं आऊंगा एकदम निश्चित है सर ये। और सर मेरा कभी भी मोटिवेशन डाउन होता था तो कुछ दोस्त थे उनको मैं आपके बारे में बताता था कि सर ऐसा बोलते हैं और सही में ऐसा फील होता है, मतलब आप बोलते थे कि ऐसा करो और फील होगा और सही में होता था सर। आप मतलब बिना क्लास के भी ऐसा लगता था हम क्लास में ही, और ऐसा नहीं लगता था कि मैथ्स पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, बस आपके साथ चलते गए और होते गया सारा चीज, और मुश्किल से मुश्किल चैप्टर सर बनने लग गया था लास्ट लास्ट में। और आप कहते थे कि अगर कुछ हार्ड है तो तुम आगे चलो, फिर तुम्हारा पिछला ठीक होगा। सही में हम लोग अगर हार्ड मिल जाता था छोड़ के आगे चल देते थे और फिर पिछला सब ठीक हो जाता था खुद को। मतलब 100% विश्वास करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, आपका सारा बात सिर्फ मान लेना या बात सुन लेना, सारा चीज हो जाएगा सर, मुझको तो पूरा विश्वास है आप पे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी मृत्युंजय, आपने एक बार में अपने पूरी सक्सेस जर्नी को बहुत अच्छे से बताया। अब आप ऐसे ही आगे भी अच्छा परफॉर्म करो जमशेदपुर में भी और इन लाइफ, और खूब खुश रहो। और वो सब लोग जो कि मिसगाइडेड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए आप एक एज अ मोटिवेशनल काम करो, यही शुभकामनाएं मैं दूंगा आपको। थैंक यू सर। और मैं सर कहना चाहूंगा अगर कोई भी वीडियो देखेगा सब सर, तो मुझसे डायरेक्टली इस कमेंट बॉक्स में, मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूंगा, मैं हमेशा यही बोलूंगा कुछ मत करो सर का बात मानो। बिल्कुल ठीक है, कोई भी बच्चे को भाई कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में लिखो, मैं तुझे उसका आप सभी बच्चों को रिप्लाई जरूर देना। बाकी जिनके जो बच्चे होते हैं वो अपना अपना रिप्लाई जरूर देते हैं, और आप जो भी बच्चों को जरूरत हो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एकदम आपकी तरह सर। और सबसे बड़ा बात, आप इतने बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन हर बच्चों को पर्सनली जानते हैं सर, या ऑनलाइन हो या कुछ हो, अगर मैसेज कर दे तो उसको जवाब मिलना है, आज नहीं तो कल उसको जवाब मिल ही जाता है सर। चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।